इंदौर शहर की पहचान पारंपरिक गैर रंगपंचमी पर निकलने के लिए तैयार है। इसको लेकर जहां पुलिस और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं इन गैरों को निकालने वाले आयोजक भी गैर निकालने को लेकर उत्साहित हैं। इस साल राजवाड़ा क्षेत्र भगवा रंग से रंगा नजर आएगा। इसके साथ भव्य आयोजन में गैरों के पुराने इतिहास की झलक भी देखने को मिलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से इंदौर शहर की पहचान रंगारंग गैर नहीं निकली थी, लेकिन इस साल संक्रमण के प्रभाव में कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परंपरागत गैर को निकालने की घोषणा की, जिसके बाद से इंदौर शहर में गैरों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। एक तरफ जहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गैरों को निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है, वहीं आयोजकों में भी गैर निकालने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर में निकलने वाली गैर की बात की जाए तो इसका इतिहास 75 साल पुराना है। दरअसल गैर निकालने की शुरुआत टोरी कॉर्नर से हुई थी, जिसके संस्थापक बाबूलाल गिरी और छोटे लाल गिरी थे, जिन्होंने इस पारंपरिक गैर की शुरुआत की। पूर्व में रंगाड़े, बैलगाड़ी, टांगे और पीतल की पिचकारियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे स्वरूप बदला और इनकी जगह डीजे और पानी के टैंकर ने ले ली है। हालांकि इस बार टोरी कॉर्नर से निकलने वाली गैर इतिहास दर्ज कराएगी। विगत 75 साल से हम गैर निकाल रहे हैं। इंदौर शहर में सबसे पहले गैर टोरी कॉर्नर से निकली गई है। 5 दोस्त, जिसमें बाबूलाल जी गिरी, छोटे लाल जी गिरी और उनके कुछ मित्र मंडल जो है, तो होली तो हर कोई त्यौहार बनाता है, धुलेंडी होती है, पर धुलेंडी के बाद रंग पंचमी जो है, उन्हें क्या 5 दोस्त हैं अपन, 5 अलग अलग विचारधारा है। कोई कांग्रेसी है उस दौर में, कोई जनसंघी था, तो वो एक दूसरे को रंग लगाते थे। वो रंग एक दूसरे को लगाने में जब लोगों को कि यार ये मतलब 5 लोग हैं, रंग पंचमी है, तो पंच जो है तो ये 5 से 25 लोग हुए, 25 से 50 हुए, फिर उसको अपन घेर जैसे कहते हैं, एक समूह में जो है वो घेर हो गई, वो घेर से मतलब एक दूसरे को रंग लगाने लगे, उसका अपभ्रंश हुआ क्योंकि घेर घेर कहते हैं कि भाई दूसरे को भी लगा सकते हैं, तो वो धीरे 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 फिर वो परंपरा बनती चली गई। वो परंपरा हुई, उसको देख के फिर कुछ लोगों ने कि हम भी गैर निकालेंगे, उन लोगों ने भी प्रयास किया, पर जो प्रयास टोरी कॉर्नर पे रहा और मिसाइलों का या उससे रंग उड़ाने का, ये सारा जो प्रयोग जो हुए वो सारे सबसे पहले टोरी कॉर्नर गैर से हुए। टोरी कॉर्नर गैर आप सोचिए कि सामने लोहार पट्टी है, हमारे को जितना सहयोग मोमेडियंस भी देते हैं। पहले एक इतिहास ऐसा था कि एक कड़ाव, बहुत बड़ा कड़ाव लगता था जिसमें रंग घोला जाता था, वो तो कड़ाव साल में 2 बार काम आता था। एक बार इनके मोमेडियंस जो त्यौहार होता है ईद मिलन दुबी, उसमें उस दिन वो हलवा बनाते हैं और वो हलवा बटता था, फिर वो उसको साफ करके वो कड़ाव को हम लोगों को रंगपंचमी पर दिया जाता था, वो फिर हम उसमें रंग घोल के लोगों को, वो लोग भी आते थे जो लोहार पट्टी के थे। ऐसा नहीं था कि आज के दौर में कोई झगड़ा फसाद, और हमारे को ड्रम जो है वो खाली ड्रम भी उपलब्ध यही कराते थे। लोहार पट्टी एसोसिएशन जो है हमारे को खाली ड्रम जो है वो हमें उपलब्ध कराता था, कि ये ड्रम जो है उसका हमको किराया नहीं लगता था, हमको मतलब हमारे ये चौराहे का काम है। फिर ये गैर धीरे धीरे पहले बैलगाड़ियों पे निकलती थी, फिर स्वरूप बदला, स्वरूप बदला, फिर ट्रैक्टरों ने लिया, फिर ट्रैक्टर ट्राली आने लगी, फिर मशीनों से जो बोरिंग मशीन आती हैं इससे टैंकरों से पानी, उसमें मोटरें लगने लगी, उससे रंग 5-5 में पहले पिचकारियों से होता था कि भाई आपकी बाजू में कितना दम है, 5 मंजिल आप रंग, पीतल की पिचकारियाँ हुआ करती थी हमारे पास, उससे जो है वो रंग 5-5 मंजिल फेंका जाता था। फिर स्वरूप बदला, स्वरूप बदला तो
मशीनों का युग आ गया, ये जो बुलडोजर ये आते हैं आपके बोरिंग मशीन जो है, ये इससे पानी का प्रेशर ये सब वो चलने लगा। अरे हम बात करें 2 साल बाद और फिर रंगपंचमी मनाई जाएगी, क्योंकि संक्रमण का दौर था, कोविड था, 2 साल किस तरह का उत्साह देगा इस बार? इसमें जबरदस्त उत्साह लोगों का, लोग हमारी मतलब टोरी कॉर्नर गेयर में हमको कोई ऐड नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी लोग इस बार निकालोगे कि नहीं निकालोगे, आपको परमिशन हुई कि नहीं हुई है। हमने कहा ये परंपरागत है, पहले शहर में छुट्टी हुआ करती थी, शहर में जिला कलेक्टर इंदौर शहर में छुट्टी करता था, फिर संभायुक्त में, फिर संभाग में छुट्टी होने लगी, फिर पूरे प्रदेश में रंगपंचमी जैसे होली की छुट्टी होती है ऐसे रंगपंचमी का गजट में आने के बाद वो यहाँ छुट्टी घोषित हुई। किस तरह की व्यवस्था की गई है गेयर को लेकर? चोरी का होना जो इतना पुराना गेयर निकालते आए, कई देन दिए यहाँ इस चौराहे ने। इंदौर में सबसे पहले यदि कवि सम्मेलन और मुजाहरे हुए जिसमें ख्याति प्राप्त शायर बेकल हुसैन बलरामपुरी जी और ख्यात पत्र वो कवि गोपालदास जी नीरज, माया जी गोविंद, उस दौर में जब साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, निर्भय हाथरसी जी, ये सब यहाँ इस चौराहे पे आ चुके हैं। एक भव्य आयोजन हुआ था 14 दिन का, जो एक धार्मिक आयोजन था राम दरबार, जिसमें आदि लोहार पट्टी जाके उसमें टेंट लगता था और लोहार पट्टी के जितने भी व्यापारी आते उस साइड के, वो अपना 5 बजे बाद व्यापार बंद कर लेते थे कि ताकि कथा जो है राम दरबार चले। ये एक आयोजन इसी को देखते हुए फिर पूरे शहर में होने लगे, कवि सम्मेलन जैसे छावनी में होने लगा, आपके इधर कैलाश जी के इधर होने लगा। ये जो चीज़ें दी है, ये तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो चीज़ें जो टोरी कॉर्नर ने दी है, वो ये यहीं से शुरुआत हुई है कि कवि सम्मेलन क्या होता है, मुजाहिरा क्या होता है, और जिसमें मुजाहिरे में जो ख्यात थे जैसे नाजिर खयामी थे लखनवी, वो नवाब जो थे वहाँ के लखनऊ के उस खानदान से थे, पर वो उसके मीना कुमारी के आशिक थे बहुत, तो उन्होंने एक शेर किया था मीना कुमारी पे कि शेरो शराब नाजिर मुझे बचा लिया, मीना तो पीती थी, रहती थी सबके साथ, पाकीजा बनी तो खुदा ने बुला लिया, तो वो पाकीजा बनी और मीना कुमारी मर गई। तो जब उनसे तैयारियाँ हमारी मिसाइलें टैंकर रनगाड़े, हमने अपनी बैलगाड़ियाँ वापस कुछ मंगाई है ताकि जिसमें हम ड्रम रख के और वो पिचकारियों से ताकि लोगों का अपनी याद ताज़ा हो जाए, एक बार फिर पुरानी यादा ताज करना चाहते हैं। पारंपरिक गैर निकालने का रसिया कॉर्नर गैर का भी अपना एक पुराना इतिहास है। गैर संयोजक पंडित राजपाल जोशी ने बताया कि सन 1973 में रसिया कॉर्नर गैर की अवधारणा रखी गई थी, जो ओल्ड राज मोहल्ला से निकलती है। पूर्व में इस गैर में बैलगाड़ी, घोड़े, टांगे और रंगाड़े शामिल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे गैर का स्वरूप बदलता चला गया। 2 साल बाद निकलने वाली रसिया कॉर्नर गैर में 20 वाहन शामिल होंगे, जिसमें पानी के टैंकर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़े और टांगों को भी रखा गया है। इस बार रसिया कॉर्नर गैर पर पूरे राजबाड़ा क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने जा रही है। वहीं इस गैर में इंदौर के जोगी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सन 1973 में रसिया कॉर्नर गैर की अवधारणा रखी गई। जितने भी पुराने लोग ओल्ड राज मोहल्ला के थे वो दूसरी गैरों में जाया करते थे। कुछ वैचारिक मतभेदों से इन सब लोगों ने सोचा कि हम एक हमारी खुद की ओल्ड राज मोहल्ला से निकालेंगे गैर। तो यहाँ पर सभी लोग प्रेम चाचा जी, प्रेम शर्मा जी, राजेश अपने रमेश जोशी जी, गोविंद सोडानी जी, ये सब लोग यहाँ के रसिया हुआ करते थे युवा उस समय के, उन लोगों ने रसिया कॉर्नर के नाम से इस गैर का शुरुआत करी 1973 के अंदर। और तब से सतत 49 वर्षों से, कोरोना काल को अगर अपन छोड़ दें तो 49 वर्ष हो गए हैं रसिया कॉर्नर की गैर को। पहले 50 वर्षों पहले जो गैर का स्वरूप था उसमें और आज बहुत अंतर आ गया है। आज हम देखें तो नवाचार जो युवा जो हैं उन्होंने नवाचार लाए हैं इसके अंदर। डीजे की गाड़ियां हो गई और बहुत सारी मिसाइलें हो गई जो टैंकरों के ऊपर चलती हैं और विभिन्न उपकरण रहते हैं जिनसे रंग और गुलाल उड़ाया जाता है। पहले 50 वर्ष पूर्व इतनी सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो बैलगाड़ी, रंगाड़े,
तांगे घोड़े इन सब के ऊपर गेर निकाला करती थी, जो पारंपरिक स्वरूप हुआ करता था ढोल ताशों का उसके ऊपर निकाली जाती थी। अब कोरोना संक्रमण काल में 2 साल गेर नहीं निकली, लेकिन एक बार फिर अब गेर निकलने जा रही है, उसको लेकर उत्साह कितना है और तैयारियां क्या है? इस वर्ष अगर देखा जाए तो हर त्यौहार को मनाने का बहुत ज़्यादा उत्साह है इंदौर शहरवासियों के अंदर, क्योंकि सही बात है कि 2 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं और होली एक बहुत खुशी का त्यौहार है। रंगपंचमी हमारी इंदौर की बहुत बड़ी परंपरा का हम निर्वहन करते हैं और उस दिन कम से कम 3 से 5 लाख पब्लिक इंदौर की सड़कों पर मौजूद रहने वाली है और राजबाड़ा क्षेत्र जो गेर मार्ग है उसमें कम से कम 3 लाख पब्लिक रहेगी मौजूद और इस गेर की प्रत्यक्ष दर्शी बनेगी। आपकी क्या तैयारी है गेर को लेकर निकालने को लेकर? करीब 23 वाहन हमारी गाड़ी उसमें रहेंगे गेर के अंदर, जिसमें घोड़े तांगे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ 5 टैंकर हैं जिन पर मिसाइलें रहेंगी और बैंड बाजे रहेंगे। इस प्रकार से पूरी हमारी तैयारियां हैं। 22 वाहनों के साथ में हम इंदौर की सड़कों पर भगवा रंग से हम पूरे इंदौर वासियों के साथ होली खेलने निकलेंगे। इस बार एक विशेष आकर्षण और है हमारी गेर के अंदर कि चूँकि अभी भगवा में हुआ है भारत पूरा और योगी जी अभी यूपी के अंदर बहुमत से सरकार बनाकर लाए हैं, तो योगी जी की प्रतिलिपि जो हमारे मध्य प्रदेश के जोगी जी हैं वो हमारी इस रसिया कॉर्नर की गेर में इस वर्ष शामिल होंगे। आपका शुभ। मैं पंडित राजपाल जोशी, रसिया कॉर्नर संयोजक। आज इस आयोजन में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग शरीक होते हैं, इसलिए यातायात व्यवस्था के नियंत्रण और सुरक्षा को देखते हुए मुख्य तौर पर कैमरों पर निर्भरता बढ़ाई गई है। कैमरों पर मुख्य तौर पर जो भी रास्ते हैं उन रास्तों पर 100 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि वर्तमान में जो कैमरे हैं जो अस्थायी तौर पर उनके अतिरिक्त होंगे, और साथ ही साथ 10 से ज्यादा ड्रोन कैमरे रास्ते में रहेंगे, जिन ड्रोन कैमरों से यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित की मदद मिलेगी। रंगपंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गैर को लेकर शहर के अन्य आयोजक भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार की गैर इंदौर शहर में एक नया इतिहास बनाएगी। इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।